कहाँ जाना है? अरे नरोरा जाना हमारे लिए, हमें कल से परेशान है, कल भी हम लौट लौट के चले गए और आज भी गाड़ी नहीं मिल रही है, कल भी नहीं मिली, कल पूरा दिन हो गया हमारे लिए भी। यहाँ से भी चले गए लौट के, फिर 62 पे गए, 62 पे भी गाड़ी नहीं मिली हमें, बहुत परेशान है रहे, कल से भी लौट लौट के चले जा रहे हैं, बार बार जाते रहे हमें, अब गाड़ी मिली नहीं, पता ना क्या दिक्कत आ रही है। जब ये समस्या बस ही ना मिल रही, सवेरे से खड़े हैं यहाँ पे। इटावा? हाँ। बस वाले कह रहे हैं जाएंगे ना, रास्ते में हड़ताल चल रही है ड्राइवरों की। ड्राइवर लोग हैं, हम अपनी गाड़ी खड़ी करके घर जा रहे हैं, घर जाने के लिए बस नहीं मिल रही है। अच्छा, अभी बस चलाते हो? मैं ट्रक चलाता हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ। इस कानून से खुश नहीं है, अपनी गाड़ी खड़ी करके घर जा रहे हैं। हाँ, कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। अभी हो? क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी जी कुछ नहीं है, यही परेशानी है कि जैसे नई नई सरकार आती जा रही है, नया नया कानून निकाल रही है, उन्हें तो सिर्फ ये दिखाई देता है कि ड्राइवर मोटा पैसा कमा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि सड़क पे चलते ड्राइवर को 4 लोग गाली दे के जाते हैं, चाहे ड्राइवर की गलती ना हो। गाड़ी वाले क्या है, 10 दिन में ड्राइवर बन जाते हैं, कार चलाने लगते हैं। ये ट्रक ड्राइविंग के लिए बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सालों साल में ड्राइवर बनता है इंसान, लेकिन फिर भी जो गलती होती है ड्राइवर की दे दी जाती है। और ये क्या होता है, शादी ब्याह में लोगों को कार मिल जाती है, 4 दिन चलाई गाड़ी लेके चल रहे हैं भाई, कट मार के जा रहे हैं। क्या करते हो? हम हेल्परी करते हैं, हम भी ट्रक ड्राइविंग लाइन में आ गए थे, लाइसेंस बनवाने जा रहे थे, लेकिन अब इरादा नहीं है लाइसेंस बनवाने का। हाथरस, लेकिन अभी समस्या है कि अभी स्ट्राइक वगैरह कर रखी है ना ड्राइवर ने, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही है। अब आदमी को जहाँ जाना होता है वहाँ टाइमली नहीं पहुँच पा रहा है, मेरे को तो ऑफिस टाइम पे पहुँचना है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि 9:30 है, वो भी कंफर्म नहीं है, है कि नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक चल रही है ना ड्राइवर्स की। अभी देखते हैं, देखो कहाँ के कहाँ जाना पड़े, कैसे जाएंगे वहाँ से, अभी आगरा जाएंगे, वहाँ उतरेंगे कट पे, अब पहुँचना तो पड़ेगा ही। देश भर के कई इलाकों में बस और ट्रक की हड़ताल है, हड़ताल के चलते लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा के बस डिपो में मैं मौजूद हूँ, पीछे की तरफ देखेंगे आप, तमाम जो बसें हैं खड़ी हुई हैं, कुछ एक बस जरूर यहाँ डिपो से चल रही हैं, 20% के आसपास कल भी बसें चली थी, और बस ना चलने के चलते या ट्रक ना चलने के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूसरा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी अब महंगी होने के आसार हैं, क्योंकि तमाम जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने पूरी तरीके से हड़ताल कर दी है और कोई भी जो गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है इस कानून के विरोध में। कैसे मानते हैं इस हड़ताल को? अरे बहुत कानून बहुत ज़्यादा गलत है, ये जो है सरकार ने जो भी किया है ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ये जो है ड्राइवर तो ऐसा घर कोई भी नहीं है जिस घर में माँ के बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही जो ड्राइवर ना हो, चाहे बाइक चला रहा हो या कोई भी वाहन चला रहा हो, ड्राइवर तो हर घर में कोई सा गाँव कोई सी देश में चले जाओ, हर घर में ड्राइवर मिलेंगे, दो चार। ऐसा तो किसी के साथ भी, अगर मोदी जी हो या योगी जी हो, कोई भी हो, अगर वो भी गाड़ी से अपनी से चले तो उनसे भी हादसा हो सकता है। ये कानून जो बनाई है बहुत ही ज़्यादा गलत बनाई है, ये चीज़ ज़्यादा कठोर कानून बना दिया। आपका क्या कहना है, आप क्या करते हैं? मैं भी ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर, इस कानून से खुश नहीं है हम, और गाड़ी खड़ी करके अपने घर जा रहे हैं। अब बस नहीं मिल रही है घर जाने के लिए? घर जाने के लिए बस नहीं मिल रही है, कल भी आए थे और आज भी आए हैं, 2 दिन हो गए हमें। ड्राइवरी नहीं करेंगे? ड्राइवरी नहीं करेंगे, अपना कोई काम करेंगे। कौन सजा काटेगा 10 साल की, कौन जुर्माना देगा बताओ। आप भी सामान लेके जा रहे हैं, ये क्या सामान है, क्या करते हो आप? जी ट्रक ड्राइविंग सीखी थी हमने और अब लाइसेंस बनवाने का प्लान था, लेकिन कुछ कानूनी ऐसे बना दिए गए हैं कि अब और कुछ काम करेंगे, अभी उम्र ही ऐसी थी सीखने की, सीख लिया हमने, अब और कोई काम सीखेंगे, कानून ऐसा बना दिया गया है कि अब लाइसेंस बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस कानून से कुछ नहीं, अगर कानून बदली होता है तो लाइसेंस बनवाएंगे, ट्रक ड्राइविंग करेंगे, वरना जी कोई अपना घर का काम करेंगे या बेलदारी करेंगे। देखिए ये भी ट्रक ड्राइवर है, आप कहाँ जाने के लिए आए हैं? यहाँ बस मिल रही है? बस मिलने वाली है, आने वाली है 10-15 मिनट में। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ के लिए आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? बस मिल रही है? नहीं कोई बस नहीं है। कब से खड़े हुए हैं यहाँ? हो गया आधा घंटा से हो गया मुझे। क्या बोल रहे हैं लोग?
लोग बोल रहे हैं हड़ताल ही कर रहे हैं, अभी कोई आना जाना है नहीं, मना कर रखा है कि बस नहीं चला, हम चला ही नहीं। तमाम जो लोगों की भीड़ है वो भी मैं दिखाऊं आपको, यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग सुबह से पहुँचे हैं कि बस मिल जाए। कल भी इसी तरीके का हालात नोएडा में देखने को मिला था, 20% के आसपास बस चली थी। आज भी इक्का दुक्का बस जो है वो चल जरूर रही हैं, लेकिन खड़ी हुई बसों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा जो भी ड्राइवर हैं उन लोगों की मांग है कि इस कानून को पास ना किया जाए, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ड्राइविंग करने में तो रहता ही है, साथ ही साथ जो कमाई है इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लिहाजा इस कानून के तहत मिलने वाली सजा से तमाम ड्राइवर जो हैं वो खपा हैं और नाराज़गी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन नोएडा।